नमस्कार बच्चों, गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकाई 12, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें जो हमने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनका साधारण नामकरण क्या होता है, पिछले वीडियो में हम पार्ट वन में देख चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि आईयूपीएसी के अनुसार हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आईयूपीएसी पंक्ति, खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोनों के आईयूपीएसी नाम प्राप्त करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित ई के स्थान पर अल एवं ओन के स्थान ओन लगाते हैं। अगर हम जैसे आईयूपीएसी नाम में एल्केन लिखते हैं तो ई हटा देंगे और अल लगा देंगे, और कीटोन है तो ओन लगा देंगे। एल्डिहाइडों में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन उस सिरे से शुरू किया जाता है जहां एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। अगर हम कोई कार्बन की श्रृंखला है तो नंबरिंग कार्बन की वहां से करेंगे जहां पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जबकि कीटोनों में उस सिरे से अंकन करते हैं जो कार्बनिक समूह के निकट होता है। यानी कि कीटोन में दोनों साइड एल्किल समूह होते हैं तो जहां से कार्बन ऑक्सीजन को कम नंबर प्राप्त होते हैं वहां पर हम वहां से हम इसका नंबरिंग शुरू करते हैं। कीटोन में प्रतिस्थापियों को पूर्वलग्न के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्बन श्रृंखला में अंकों द्वारा स्थिति प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। चक्रीय कीटोनों पर भी यही नियम लागू होता है जिसमें कार्बोनिल के कार्बन परमाणुओं की स्थिति की संख्या एक होती है। जब एल्डिहाइड समूह वलय से संयुक्त होता है, यानी कि एल्डिहाइड समूह वलय से जुड़ा होता है, तो साइक्लो एल्केन चक्रीय एल्केन का नाम लिखने के पश्चात उसमें हम कार्बोनिलडिहाइड जोड़ देते हैं अनुलग्न के रूप में। वलय के कार्बन परमाणुओं का संख्यांकन उस कार्बन परमाणु से आरंभ करते हैं जिसमें एल्डिहाइड समूह संयुक्त होता है। यानी कि वलय है हमारे पास, वलय में वहां से हम नंबर देना शुरू करेंगे जहां पे हमारा एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। सरलतम एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड समूह बेंजीन वलय पर स्थित होते हैं का नाम बेंजीन कार्बोनिलडिहाइड होता है। यद्यपि आईयूपीएसी पद्धति द्वारा सामान्य नाम बेंजीनडिहाइड भी स्वीकृत है, बेंजीन कार्बोनिलडिहाइड होता है, लेकिन आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार क्या लिखते हैं, बेंजीनडिहाइड। अन्य प्रतिस्थापी एरोमेटिक एल्डिहाइड के नाम बेंजीनडिहाइड के व्युत्पन्न के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3CHO। तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लगता है, अल लगता है, सॉरी दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO ग्रुप के लिए अल, तो एथ प्लस एन प्लस अल, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एथेनल। दूसरा देखो, हमने नंबरिंग कहां से शुरू करनी है दूसरे एग्जाम्पल में, CHO से, तो जो रेड कलर का पिंक कलर का हमारा कार्बन है वहां से शुरू करेंगे और लास्ट तक टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेप्ट, ठीक है, प्लस एन प्लस अल, यानी कि हेप्टेनल। तो हमारे टोटल कार्बन की श्रृंखला का नामकरण हो गया, अल लगाया हमने CHO ग्रुप के लिए। तो चार नंबर पे ब्रोमोइन जुड़ा हुआ है और तीन नंबर पे मैथिल जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम CHO से शुरुआत करते हैं तो चौथे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है और तीसरे कार्बन से जुड़ा है मैथिल समूह। तो ब्रोमीन में शुरू होता है बी से और मैथिल समूह होता है एम से, तो ए बी सी डी के अनुसार जो पहले आएगा उसको हम लिखेंगे। तो ब्रोमीन यानी कि बी और मैथिल यानी कि एम, तो बी और एम दोनों में से कौन सा पहले आता है, पहले बी, तो इसका ना सही नाम हो गया 4-bromo-3-methyl-heptanol। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो ये एग्जाम्पल है साइक्लिक है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां पे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होगा, ठीक है। तो पहला नंबर हमने दिया डबल बॉन्ड ओ को, दूसरा नंबर हमारा नेक्स्ट होगा, तीसरा नंबर CH3 को हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि दूसरे हमारे प्रतिस्थापी उनको भी कम नंबर प्राप्त होने चाहिए। तो तीन नंबर पे आ गया मैथिल, तो 3-methyl-cyclo, साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। टोटल कितने कौन है इसमें, 1 2 3 4 5, तो पांच कौन है, तो मतलब पांच कार्बन है, तो साइक्लो पेंट प्लस एन और सी डबल बॉन्ड ओ के लिए ओन, तो ये हो गया पेंटेनोन, 3-methyl-cyclo-pentanone। देखो अब देखो ये बेंजीन, सॉरी
हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में सी एच ओ जुड़ा है, तो सी एच ओ के लिए क्या लगाते हैं, कार्बेल्डिहाइड, तो सीधा नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन और प्लस कार्बेल्डिहाइड इज इक्वल टू साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अब ये देखो यहाँ पे पहला कार्बन सी एच ओ, दूसरा सी एच, तीसरा सी एच, चौथा सी एच टू, पांचवा सी एच थ्री। अब देखो इसमें डबल बोन है दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य, तो सिंपल नाम है तो पांच कार्बन के लिए पेंट, डबल बोन कितने पे है, दो पे, तो पेंट टू इन और वन अल, ठीक है पेंट टू इन वन अल, एक तो इसका नाम हो सकता है या इसका दूसरा नाम हो सकता है पेंट टू इन, पेंट टू इन प्लस अल, पेंट टू इन अल, ठीक है ये नाम इसका हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेंजीन पे सीओ सी एच टू सी एच थ्री जुड़ा हुआ है। अब सीओ कार्बन को हम नंबर देते हैं पहला, सी एच टू को दूसरा और सी एच थ्री को तीसरा, तो पहले कार्बन पे क्या जुड़ गया, फैनिल, यानी कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, बॉन्ड बना रखा है कार्बन साथ में, तो फैनिल बोलेंगे हम इसको, तो फैनिल यानी कि वन फैनिल, और तीन कार्बन के लिए क्या लेते हैं प्रो प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, और ओन लगाएंगे सीओ ग्रुप के लिए, तो वन फैनिल प्रोपेन वन ओन। अब हमें यहाँ पे इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी कि हमने सीओ ग्रुप को कितना नंबर दिया है, तो यहाँ पे कितना नंबर है, पहले नंबर पे लिया हमें, तो वन ओन हो जाएगा, वन ओन, वन फैनिल प्रोपेन वन ओन। थ्री ऑक्सो पेंटेनल, देखो इसमें हमने एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। अब एल्डिहाइड में और कीटोन में दोनों में सबसे ज्यादा वरीयता जो होती है वो किसकी होती है, एल्डिहाइड की, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, एल्डिहाइड को पहला नंबर देंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला का तो तीसरे पे होगा हमारा ऑक्सो, सीओ के लिए क्या लगाते हैं ऑक्सो, तो थ्री पे थ्री ऑक्सो, और एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन के लिए लगाते हैं पेंट प्लस एन प्लस अल, अल हमारा हो गया ये। अगर कीटोन को हम शुरू में लेते हैं, अवैध क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है हमारे पास, तो वो हमारा क्या होता है कीटोन, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड को हमें बाद में लिखना है और कीटोन को हमें पहले लिखना है, तो क्योंकि कीटोन कम क्रियाशील है एल्डिहाइड ज़्यादा, तो एल्डिहाइड जो है बाद में लिखेंगे अल के रूप में और कीटोन को हम ऑक्सो के रूप में लिखेंगे, तो ये हो गया थ्री ऑक्सो पेंटेनल। इसके बाद है कीटोन है हमारा, अब इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांच कार्बन है, कहीं से नंबर दो आंख बंद करके, तो शुरू से लेते हैं हम वन टू थ्री, थ्री नंबर पे सीओ ग्रुप हो गया, फोर सी एच, फाइव पे सी एच थ्री, तो ये हो गया देखो टू पे, फोर पे है मैथिल, तो उसको लिखेंगे टू कोमा फोर हाइफन डाई मैथिल और पेंटेन थ्री ओन, पेंट पांच कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड है और थ्री पे ओन जुड़ा हुआ है, तो पेंटेन थ्री ओन, इस तरीके से हमारा नामकरण हो गया। ये देखो बेंजीन के ऊपर एक तरफ सी एच ओ, एक तरफ एनओ टू, अब इसके दो नाम हो सकते हैं, सी एच ओ में एनओ टू में सी एच ओ ज्यादा क्रियाशील है, तो चार नंबर में बैठता है नाइट्रो समूह बेंजीन पर, तो फोर नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, या हम इसको कह सकते हैं फोर नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब ये देखो इसमें देखो तीन सी एच ओ समूह आ गए हमारे, ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं तीन कार्बन के लिए क्या लगाते हैं प्रो। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक को कार्बल्डिहाइड के रूप में लिखते हैं दूसरा अल के रूप में, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को समान वरीयता देनी है, तो पहला कार्बन सी एच टू, दूसरा सी एच, तीसरा सी एच टू को मानेंगे, जो हमारे सी एच ओ ग्रुप है उनको अलग ही निकाल देंगे हम, तो एथ मैथ क्रोम, यानी कि तीन कार्बन की श्रृंखला को हम बोलते हैं प्रोपेन। अब ये देखेंगे कितने कितने जुड़ा हुआ है, वन पे टू पे, वन पे क्या है सी एच ओ है और टू पे क्या है हमारा सी एच ओ है और उसके बाद है हमारा फोर पे, तो हमारा हो जाएगा प्रोपेन वन टू फोर ट्राई कार्बनडिहाइड। इसमें एक नोट करने वाली बात है, सभी एल्डिहाइड समूह के समान रूपण है, तो यौगिक का नाम उक्त रूप में दे दिया जाता है। ठीक है भाई,
तो इसमें बच्चों आपको फोर की जगह थ्री करना है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड ऐसे करना है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोनों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम देखो, HCHO एक कार्बन है जिसको बोल लेंगे मैथ प्लस एन प्लस एल, यानी कि मैथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम है मैथेनॉल, सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO एसिटल डिहाइड इसका सामान्य नाम है और आईयूपीएसी नाम होगा इसका एथेनॉल। CH3 का होल ट्वाइस CHCHO, तो ये जो हमारा CH है CH3 का होल ट्वाइस CH, तो इसमें से दो कार्बन की श्रृंखला निकली हुई है, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल डिहाइड या 2-methyl propanol। ये देखो ये नाम पीछे भी आ चुका है, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, गामा अल्फा बीटा गामा, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है सी एच ओ वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट गामा, गामा पे जुड़ गया मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड भी कह सकते हैं, या हम उसका भी बेस नाम लिख सकते हैं 3-methyl cyclohexane कार्बन डिहाइड। ये देखो हमारा CH3CH OCH3CHO। अब ये OCH3 जो है नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, इकट्ठा लिखा हुआ है इसमें, उसको अगर ओपन करके लिखते हैं तो CH3CH और CH से जोड़ देना नीचे की तरफ O और O के नीचे फिर CH3, और हमने इसका ईथर में नाम लिखा था मिथोक्सी, आपको याद हो, तो ये हो जाएगा 1 2 2 नंबर पे मिथोक्सी हो जाएगा, तो 2-methoxypropanol इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा इसका अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड, ठीक है। CH3CH2CH2CH2CHO वैलेरल्डिहाइड इसका सामान्य नाम है और आईयूपीएसी नाम सिंपल सा नाम है पेंटेनल। CH2CHCHO तो एक्रोलीन इसका सामान्य नाम है और प्रोप टू इनल हमारा इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, क्योंकि पहले कार्बन CHO, दूसरा कार्बन CH, तीसरा कार्बन CH2, तो तीन कार्बन के लिए प्रोप, तो दो नंबर पे हमारा इन है, तो प्रोप टू इन और वन अल हम इसको एबीए भी कह सकते हैं, प्रोप टू इन वन अल। CHO थैलेल्डिहाइड हम इसको कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका बेंजीन 1,2-dicarbaldehyde हम इसको बोल सकते हैं। मेटाब्रोमो बेंजल्डिहाइड, यानी कि मेटा पे क्या जुड़ा हुआ, ब्रोमो, या 3-bromo बेंजल्डिहाइड अथवा 3-bromo बेंजीन कार्बनडिहाइड, ये हम इसको कह सकते हैं नाम को। CH3CO CH2CH2CH2CH3 इसका नाम हो जाएगा मेथिल एंड प्रोपिल कीटोन और आईपीएस नाम हो जाएगा, इधर सीधी साइड से ही हम राइट हैंड साइड से ही, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से नाम लिखना शुरू करेंगे, तो CH3CO, तो CO को दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है, तो पेंटेन कौन हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 नंबर पे सीओ है तो 2 और सीओ के लिए ओन, तो पेंटेन 2-ON इसका नाम हो जाएगा। CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस, तो इसका डाई आइसोप्रोपिल कीटोन हम इसको कह सकते हैं, या अगर आप इसको संरचना को लिखोगे तो CH कार्बन जो हमारे हैं उनमें से 2 शाखाएं निकलेंगी, मैथिल समूह निकल जाएंगे 2-2, दोनों में से जो CH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट में है, तो 2 पे और 4 पे डाइमेथिल पेंटेन 3-ON, यानी कि 2,4-dimethylpentane-3-ON इसका नाम हो जाएगा। कीटोन समूह हम पीछे एग्जांपल बना चुके हैं, अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉन उदाहरण में लिया हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं 2-methyl cyclohexanone भी हम इसको कह सकते हैं। CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CO CH3 मैसेटिल ऑक्साइड इसका साधारण नाम है, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 4-methyl pent-3-ene-2-ON। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, इन एग्जांपल्स में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से डिटेल से बता दिया जाएगा। वैसे तो आप कक्षा 11th में इनको पढ़ चुके हो और मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाली है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो कक्षा 11 के बच्चों के लिए भी है, कक्षा 12 के बच्चों के लिए भी है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को एक बार देख ले तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। धन्यवाद।